नमस्कार, मैं उषा, फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज गणेश चौथ है, तिलकुट। आज गणेश चौथ पे हम गणेश जी की पूजा के बारे में, कैसे पूजा करते हैं, कैसे सारी सामग्री को इकट्ठा करते हैं, क्या क्या इसमें लगता है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। आज गणेश चौथ है, आज माताएं सारी जो है अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी मनोकामना के लिए है, उनकी लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं, दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करती है गणेश जी की। आज गणेश चौथ है और चंद्रमा की पूजा करती हैं, पूरे दिन व्रत रखती हैं, फिर शाम को पूजा करती हैं, पूजा करने के बाद फिर फलहार करती हैं। चलिए आइए हम दिखाते हैं हम लोगों ने कैसे कैसे इसकी तैयारी करते हैं, इसमें क्या क्या लगता है, पूजा की सामग्री में क्या लगता है, प्रसाद में क्या चढ़ता है। ये पीला सिंदूर है, घंटी है, हल्दी है, धूप बत्ती ली है, माचिस है और ये दूर्वा है। दूर्वा के बिना तो गणेश जी की पूजा बिल्कुल नहीं होती है। और ये गुड़हल का फूल है, इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ और घी रखा हुआ है, इससे हम अपने पूर्वजों के भोग लगाते हैं, उनका हवन करते हैं। और ये देखिए, ये जो है गौर गणेश है, ये गौर गणेश जब हम पहली बार व्रत रखते हैं तब हम ये गौर गणेश जो रखते हैं, और इन्हें जो है पूरे जब तक हम मतलब रहते हैं, जब तक माताएं रहती हैं, पूरे साल इसी से पूजा करते हैं। जब भी गणेश चौथ आता है हम इसी गणेश जी से और जो है गौरा पार्वती माँ की पूजा करते हैं। और ये हमने तिल लिया है, तिल से हम जो है अर्घ देंगे लोटे में डाल के। ये पान के पत्ता है, पान के पत्ते के ऊपर ही हम गणेश और गौर को रखते हैं। माचिस लिया हुआ है हम लोगों ने। और ये चौमुखी बत्ती बनती है, ये जो है चौचाओ में चौमुखी बत्ती बनती है, ये इसी से जो है आरती होती है भगवान की। ये देखिए, ये सारी हमने पूजा की तैयारी करी हुई है। अब हम दिखाते हैं इसमें हम क्या क्या प्रसाद जो है बनाते हैं। ये देखिए, ये जो है गुड़ और तिल है, हमारे यहाँ काले तिल और गुड़ से पूजा होती है। हमारे यहाँ एक लड़के के हिसाब से 7 पाव प्रसाद चढ़ता है, जैसे 1.5 किलो गुड़ हो गया और 1 पाव काली तिल, तो सब मिला करके 7 पाव जो चढ़ता है। लाल शकरकंद है, इसको रखते हैं, ये हम जो है 5-5 करके रखेंगे। ये 5 शकरकंद एक थाली में रखते हैं। और ये गन्ना भी रखते हैं, 5 गन्ना रखेंगे। ये 5 गन्ना हो गया। और फल में हम जो है ये अमरूद रखते हैं, ये 5 अमरूद है। और भी बहुत सारे जिसके यहाँ जैसा चढ़ता है, हमारे यहाँ तो यही चढ़ता है। और आजकल तो बहुत सारे फल आने लगे हैं, तो कोई भी फल आप अपने पसंद के जो है रख सकते हैं, जो आपके घर में जो चलता होगा उस हिसाब से हम पूजा करते हैं। और ये काली गाजर, ये 5 काली गाजर है, इसको भी हम रखते हैं पूजा में प्रसाद में। ये पूरा हमारा जो है एक थाली में पूरा प्रसाद एक लड़के के हिसाब से है, जिसके 2 होते हैं तो इसका डबल चढ़ाते हैं, 3 होते 4 होते तो जो है डबल होता जाता है, इस तरह से जो है प्रसाद चढ़ाते हैं। अब हम गणेश जी की पूजा शुरू करेंगे। ये हमने सिंघाड़े का हलवा बनाया हुआ है, इसको भी हम 5 पीस इसमें चढ़ाएंगे। ये पूजा तारों की छांव में की जाती है, खुले आसमान के नीचे हमने ये जो है पटरे रख दिए हैं और इन पे हमने जो है हल्दी का लेप लगा दिया है। और ये पान के पत्ते के नीचे भी हमने हल्दी लगाया, उसके ऊपर हमने गौर गणेश की स्थापना कर दी है। और अब जो हमने हल्दी लगाया वहीं पे हम जो है सिंदूर लगा देंगे, पूरे पटरे के ऊपर सिंदूर लगा देंगे, गणेश जी को और गौरव जी को भी सिंदूर चढ़ा देंगे। अब हम ये पूजा शुरू कर रहे हैं।
अब ये जो हमने प्रसाद बनाया था इसे हम पटरे के ऊपर रख देंगे। और जो ये माला है ये हम चौथ महारानी को चढ़ा देंगे। और थोड़े से और फूल से हम भगवान को सजा देंगे। अब ये हम जो है अरग का लोटा हम जो तैयार कर रहे हैं, इसमें तिल, चावल, फूल, गंगा जल सब चीज़ हमने रख करके तैयार कर लिया है। ये हम दूर्वा जो है गणेश जी को अर्पण कर देते हैं। ये जो हमने चौमुखी बत्ती बनाई हुई है इसको जला करके फिर हम भगवान की आरती करेंगे। आचमनी कर लेंगे। भगवान का दरबार पूरा सज गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हमने हवन के लिए एक जो कंडी जला करके रखी है इसके हम भोग लगाएंगे। अपने पूर्वजों की जो पूजा करते हैं हवन कर रहे हैं हम गुड़ और घी से। अब एक बाल की जो लट को निकाल करके हाथ में लेके गंगा जल और तिल से फेरा लगाएंगे भगवान का। चार बार हम ये फेरा लगाते हैं। इस तरह से हम चार बार फेरा लगाएंगे। लट को बाहर निकाल करके हाथ में लेके गंगा जल और तिल से अब हम भगवान की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में फूल, तिल और चावल लेकर के हाथ जोड़ करके उनकी कथा सुनेंगे। अब आरती करेंगे भगवान गणेश जी की। अब चांद के निकलने का भी टाइम हो गया, 9:15 हो गया है। गणेश जी की आरती संपन्न करने के बाद हम चंद्रमा की आरती करेंगे, अर्घ देंगे। अब हम चंद्रमा की आरती कर रहे हैं। ये देखिए चंद्रमा कितने सुंदर से निकले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे। इनकी हम आरती कर रहे हैं और हम अर्घ दे रहे हैं। ये मेरी बहू ऑनलाइन है, व्रत है दिल्ली में, वो पूजा जो है खुद कर रही है और हम लोगों को भी देख रही है पूजा करते हुए। इस तरह से हमने भगवान को अर्घ दे दिया। पूरे परिवार की मनोकामना मनाते हुए हम गणेश चौथ की पूजा को संपन्न कर लिया हमने।
बोलो गणेश भगवान की जय।